महाराज जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित राज है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। जी, मंदिर पे राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, मंदिर पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ सत्ताधीश अगर मंदिर बनवाने का कार्य करते हैं तो विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग जनता को बरगलाने का कार्य करते हैं। मंदिर राजनीतिक विषय नहीं है, मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर ज्ञान का विषय है, मंदिर ध्यान का विषय है। लेकिन अगर लोग राजनीति कर रहे हैं तो उन राजनीतिक सवालों का जवाब देने के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं। जय श्री राम। कौन से लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? अरे, वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, आप हो, जनता दल हो, कांग्रेस हो, जितने लोग, आपको जिस प्रकार से राजनीति करना है आप राजनीति कीजिए, लेकिन धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, सनातन को टारगेट नहीं कर सकते, किसी की आस्था को टारगेट नहीं कर सकते और भगवान राम के मंदिर को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर किसी पार्टी के बाप की बपौती नहीं है। सीधा सा सिद्धांत, अगर मंदिर पर सवाल करोगे तो विरोध झेलना पड़ेगा और डंके की चोट पर झेलना पड़ेगा। लोग तो कभी नेता गया था और हाँ आने से मुकर रहे थे। हाँ, देखिए, इस पे राय यही है कि पहले के समय पर आप देखते थे कि जब ऋषि मुनि जो है यज्ञ करते थे तो कुछ उसमें कुछ असुर आकर के हड्डियां डाल देते थे। खैर, अब तो बुलाने पर भी नहीं आ रहे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके अंदर में ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद भरा पड़ा होगा वो यहां नहीं आ पाएंगे। तीसरी बात, जिनको इफ्तार से फुर्सत होगी और जिनको मस्जिदों में माथा टेकने से फुर्सत होगी वो तो राम मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या भाग्य से नहीं, महाराज सौभाग्य से प्राप्त होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरण कमलों के दर्शन बगैर सौभाग्य के संभव नहीं है। 22 जनवरी को लेकर के किस तरह से उत्साह? अरे, 22 जनवरी को लेकर के सिर्फ मेरे अंदर उत्साह नहीं है, समग्र हिंदू समाज के अंदर एक उत्साह है। जब हम कार सेवकों के बलिदान को याद करते हैं तब हमें शरद कोठारी याद आते हैं, तब हमें राम कोठारी याद आते हैं, तब हमें वो कार सेवक याद आते हैं और कोई भूलेगा नहीं। ये बात बता दे रहा हूं, जो कुछ हुआ है वो चाहे 90 की घटना हो चाहे 92 की घटना हो, दोनों को याद रखा जाएगा, एक को शौर्य दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। तो आप देखेंगे पीछे यही सरयू नदी है जो कार सेवकों के रक्त से लाल करवा दी गई थी और किस पार्टी मात्र के शासनकाल में घटना घटित हुई थी, जाकर के रिकॉर्ड उठा लो। तो जिनके बाप दादाओं ने गोलियां चलवाई, आपको लगता है वो अयोध्या में क्या मुंह लेकर के आएंगे दर्शन करने? भाई, क्या मुंह लेकर के आएंगे? वो तो बोल रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद मंदिर तो है ही नहीं है। अच्छा, ये उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर, साजफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी की ये नगरी है। महाराज, यहाँ बाबरवादी विचारधारा नहीं चलेगी, यहाँ जिन्नावादी विचारधारा नहीं चलेगी। ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये भगत सिंह का देश है, सुखदेव का देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, वीर शिवाजी का देश है, पृथ्वीराज चौहान का देश है, लक्ष्मीबाई का देश है, जीजाबाई का देश है। ये भारत देश सनातनियों का, ये हिंदुस्तान है। महाराज, बाबर का भी आपने नाम ले, इतिहास उठाइए, 1300 से लेकर के 1707 हम लकीर के फकीर न हुए। महाराज, हम 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियाँ, स्मृतियाँ, उपनिषद, कठोपनिषद, तो गुरु ग्रंथ, गीता, बाइबल, कुरानों के अध्ययन कई लीन है कि कोई पूछे तो वो कहा बताई। आप देखिए, बाबर कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का, माँ उसकी मंगोल की, आया यहाँ, लूटा भारत को, मरा आगरा में, दफनाया वो काबुल में गया जो आज अफगानिस्तान में है, और कुछ लोग अपना बाप मानकर भारत में उनको बैठे हैं। आप कलाम को मानो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि कलाम देश के राष्ट्रपति थे। आप अब्दुल हमीद को मानो, आप अशफाक उल्ला खां को भी मानो, मैं सीधा कहता हूँ, अगर कलाम को मानोगे तो राष्ट्रपति बनाए जाओगे और कसाब की प्रेरणा पर चलोगे तो हमारा सीधा रे ले जाओगे। सीधा सा सिद्धांत। जय जय श्री राम। आगामी 24 में क्या फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार? 24 की बात मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, आप 29 की बात कीजिए, 24 तो क्लियर है, 24 की बात है। तमाम लोगों ने जो इंडिया अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं, हाँ मान लीजिए, आप अगर कहें तो मान लेते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब लोग जानते हैं कि हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, जैसे अघासुर, बकासुर, तृणावर, धेनु, केसी, स्थल, तोसर, चाणूर, मुष्टिक, कंक, निग्रोध, कालीवन, जरासंध, प्रलंबासुर, ये सब कहाँ के राक्षस हैं? द्वापर युग के। ये सब इकट्ठा थे लेकिन अकेले भगवान श्री कृष्ण थे। अगर आप त्रेता में जाएंगे, खर थे, दूसर थे, विराट थे, तिसरा थे, अतकाय थे, रावण थे, कुंभकर्ण थे, मेघनाथ, बहुत सब थे, मारने वाले अकेले राम लक्ष्मण थे। तो सीधा सा सिद्धांत है, ये एकजुट हो रहे हैं। अब मैं आपसे क्या कहूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार,
शेर हमेशा जंगल में अकेला जाता है, झुंड में कौन आते हैं वो बेहतर तरीके से आपको पता होगा। ना किसी से अपेक्षा है, ना किसी से अपेक्षा है, ना किसी की उपेक्षा है। हम किसी के भी धर्म पंथ संप्रदाय मत मजहब का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे सनातन के विरोध करी डंकक चोट पर होके करब खुले मंच पर। हम अयोध्या बोले वाले ना हुए, हम शाहीन बाग में चिल्लाए वाले व्यक्ति हुए अगर रिकॉर्ड उठे। 22 जनवरी को लेकर के अयोध्या से हाँ सभी जनता से क्या अपील होगी? 22 जनवरी को लेकर के सभी जनता से यही अपील होगी कि जितने भी हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, राम सबके, राम सभी के आस्था के केंद्र हैं। आप अगर यहाँ देखेंगे तो इसी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, चप्पे चप्पे पर हमारा पुलिस बल तैनात है। वर्दीधारियों को भी हम लोग नमन करते हैं, इसलिए क्योंकि उनके सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही रात्रि में सब लोग बहुत आराम से सो पाते हैं। तो पूरी तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ देव दीपावली मनाइए, महामहोत्सव मनाइए। एक ही बात कहना चाहेंगे, संदेश जन जन तक जाना चाहिए कि 14 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे तो हमने दीपोत्सव मनाया था, ये तो 500 वर्षों का संघर्ष चला है, इस बार महामहोत्सव मनाएंगे, कंकर की चोट पर मनाएंगे। बहुत बहुत आभार महाराज जी। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न जी, ये बताएं कि जैसे हिंदू धर्म में लोग कहते हैं हाँ बिना पत्नी के पूजा पाठ नहीं होता है, हाँ तो क्या मोदी जी अकेले पूजा पाठ करेंगे? आपको लगता है कि सारा पूजा पाठ मोदी जी करेंगे? पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए अगर हो सकता है संभवता। दूसरी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिस समय सीता जी नहीं थी उनको भी अश्वमेघ यज्ञ करना था कि नहीं करना था? शास्त्रीय प्रमाण के आधार से या वेदोक्त प्रमाण के आधार से सीता जी तो वन में थी लेकिन अश्वमेघ यज्ञ संपन्न हुआ, चाहे वो मूर्ति बिठा करके हुआ। तो भाई अगर कोई कुछ कार्य कर रहा है तो वहाँ पर धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य की अनुमति है, सबका आदेश है और समस्त वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने वाले, ज्ञानार्जन करने वाले समस्त संत बैठे हुए हैं और आवश्यक नहीं है कि पूजन पाठ और प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ही करें, शायद कोई दूसरा भी कर सकता है, या अगर ऐसा है तो वहाँ पर जो लोग बैठे होंगे धर्माचार्य वो इसको कंफर्म कर देंगे। महाराज जी कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी अधूरा है, हाँ अधूरे स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करने से चुड़ैल अच्छा। मतलब राक्षसों का निवास। बाप रे बाप, भूत पिशाच निकट नहीं आम है महावीर, क्या बात करते हैं भैया, यहाँ भूत पिशाच की नगरी है ये। अरे कोई यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, आप भूत पिशाच की बात करते हैं। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर शास्त्र विरुद्ध कार्य हो रहा है, मूर्खानंदों को मेरे सामने लेकर के आओ। जब राम मंदिर तोड़ा गया था तो शास्त्र को देखकर तोड़ा गया था? अगर राम मंदिर का निर्माण शास्त्र विरुद्ध हो रहा है तो जब राम मंदिर को तोड़ा गया था तो क्या शास्त्र देखकर तोड़ा गया? जिस समय भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर मस्जिद बना दी गई जो आज भी कलंक के समान है, उसको शास्त्र को देख करके बनाया गया था? जिस समय ज्ञानवापी परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर को डिमोलाइज करके वहां पर ज्ञानवापी परिसर के अंदर मॉस्क का निर्माण किया गया, शास्त्र को देख करके किया गया था? 500 वर्षों का संघर्ष है और 150 करोड़ जनता का हर्ष और उल्लास है महाराज, उसमें ज्यादा विधि मत लगाइए। महाराज जी एक प्रश्न और, लोग जैसे अभी आप कह रहे हैं जिस तरीके से वो बिना शास्त्र के ही तोड़ दिए, उसी तरीके से अगर आप तोड़ देंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? हमारे में अंतर यही है, आपको उनमें और हमारे में अंतर बताते हैं। हम जब आरती भी करते हैं तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अंतिम में हम कह देते हैं विश्व का कल्याण हो। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो बताता है एम निजा परो वेतिम गणना लक्ष्य उदार चरितना तू वसुधैव कुटुंबकम। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं महाराज, एक चीटी भी नहीं मारते क्योंकि पाप लगेगा, और तो उनके वाले में जाए देखो 1.5 साल का होते कहते सामने बैठो तब काम हुए। ये विचारधारा का फर्क है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब समुद्र के किनारे गए तो उनमें इतनी क्षमता थी, उनके तुड़ीर में वो बाण थे, समुद्र को सोख सकते थे। बैठकर 3 दिन तपस्या किए कि नहीं किए? किए कि नहीं किए? बिना ही न मान ही जल जड़ गए 3 दिन भी तो बोले राम सकोप तब भाई बिन हो न प्रेत लक्ष्मण बाण सरासन अनुशोको बारित। सोख जाएंगे महाराज लेकिन पहले तपस्या किए, यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। क्या आप सनातन धर्म के बारे में जानेंगे महाराज, जो आदिकाल से था वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, वही सनातन। सनातन का विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। चारों शंकराचार्य हाँ इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्यों? कौन से शंकराचार्य? अब आप रुक जाइए, सवाल क्यों खड़ा कर? हाँ अब आप रुकिए, श्रृंगेरी मठ वाले विरोध कर रहे हैं, शारदा मठ वाले विरोध कर रहे हैं, गोवर्धन मठ वाले विरोध कर रहे हैं, या बनारस के शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ज्योतिर्मठ वाले, अभी मुक्तेश्वरानंद जी विरोध कर रहे हैं, निश्चलानंद जी विरोध कर रहे हैं, या भारती जी विरोध कर रहे हैं, या यति सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य काशी सुमेर पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद सरस्वती जी, कौन कर रहे हैं बताइए मुझे? लिखित विरोध किसने किया? अगर कोई समर्थन नहीं कर रहा है तो कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, कुछ वामपंथी मीडिया वालों का ये दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है सनातन के लिए। आप उठा करके देखिए ना, ज्योतिर्मठ वालों ने विरोध किया है, ना गोवर्धन पीठ वाले शंकराचार्य जी ने विरोध किया,
और उन्हीं का ये परिणाम था, उन्हीं का ये संघर्ष था कि आज भव्य अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ये दुष्प्रचारों से बचे सबसे पहली बात। बहुत सारे लोग जो ऐसा दुष्प्रचार फैला रहे हैं। तो महाराज जी, इस पूरे अयोध्या निर्माण को आप सरकार की वो बताते हैं, मतलब बताते हैं कि सरकार बनवा रही है या किसको जाए? देखे, किसी भी पार्टी के अच्छे कार्यों को हम नकार नहीं सकते। मैं हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करती है, क्यों नकारेंगे हम भाई? बिल्कुल अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि क्या पार्टियां इससे पहले नहीं थी? सरकार इससे पहले नहीं थी? अयोध्या की भूमि इससे पहले नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट इससे पहले नहीं था? फैसला क्यों नहीं आया? अगर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो राम मंदिर था तो भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिलेगा, जिनको छाती कूटना है कूटे, हमें दिक्कत नहीं है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। रामलला वो आए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, और नंदलाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे। मथुरा की तैयारी है, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। महाराज वो चल रहा है, महाराज जी तारीख बता दी आप सबको। अरे महाराज कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी। हमको निमंत्रण नहीं मिला। निमंत्रण महाराज मिल जाएगा तो आ भी नहीं पाओगे। अभी आने के लिए कलेजा चाहिए भगवान, कैसे देख पाओगे हो? ईर्ष्या मच्छर द्वेष विकार छल प्रपंच आपके हृदय में भरा है, आपको लगता है कि भगवान राम का आप दर्शन कर पाएंगे? ना, भाग्य नहीं है आपका। जिनका सौभाग्य होगा वही रामलला का दिव्य दर्शन कर पाएंगे।